Hello, my long students. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you are doing well. You are fit and fine with God's grace. I'm your English tutor. I welcome you all on our online batch UKAV 1.0 launched by Skill Classes. Dear students, as you know that we completed the prose section, poetry and short stories of class 9th. And today we are going to cover one more part of class 9th. That's a play. And the play of your book is A Basket Full of Sea Trout, and it's written by Neil Grant. Before we go on, let us discuss the title of the play. A Basket Full of Sea Trout. Ek basket hai jo pura bara hua hai kisse? Sea trout se. Basket kisko bolte hum? Ek tokri ko hum basket kehte hai. Aur ye jo ye tokri hai, ye jo ye basket hai na beta, ye basket bara hua hai kisse? Sea trout se. Sea trout kya hai? A type of fish. एक किस्म की मछली है, a type of fish. एक किस्म की मछली होती है ना, उसी को हम ट्राउट कहते हैं. कह रहे हैं कि एक टोकरी है जो भरी हुई है किससे? सी ट्राउट से. बेटा आज हम इस वाले प्ले में देखेंगे कि क्या कहानी है इस सी ट्राउट की और किस तरह की ये कहानी है और क्या प्ले है ये. नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले. सबसे पहले बेटा हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर कैरेक्टर्स आप अच्छे से याद रखोगे तो स्टोरी आपको बिल्कुल आसानी से याद रहेगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक प्ले में होता है ना, वो होते हैं कैरेक्टर्स, एक्ट ऑफ द कैरेक्टर्स. तो इसीलिए सबसे पहले जब हम कैरेक्टर्स को अच्छे से जानेंगे, ये बहुत आसान होगा समझना कि ये स्टोरी, ये प्ले किस रिलेटेड है. चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा विजिबल कैरेक्टर्स की. आपसे ये बताऊं बेटा कि हमारे पास जब भी कोई प्ले होता है ना, दो किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं. एक को हम कहते हैं विजिबल कैरेक्टर्स और दूसरे टाइप को हम इनविजिबल कैरेक्टर्स कहते हैं. विजिबल कैरेक्टर्स और दोज कैरेक्टर्स हु एक्ट इन द प्ले, जो एक प्ले में एक्ट करते हैं, उनकी एक्टिंग, जो उनका सीन होता है, और उस कैरेक्टर्स को हम विजिबल कैरेक्टर्स कहते हैं. और दूसरा किस्म है, दूसरी किस्म है कैरेक्टर्स का, दैट इज इनविजिबल कैरेक्टर्स. ये इनविजिबल कैरेक्टर्स कौन होते हैं? ये इनविजिबल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो खुद कोई एक्ट प्ले में नहीं करते हैं, बल्कि हम उन कैरेक्टर्स के बारे में कैसे जानते हैं? बाय द विजिबल कैरेक्टर्स. क्योंकि ये विजिबल कैरेक्टर्स ही बात करते हैं और कैरेक्टर्स की, और जो वो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को हम इनविजिबल कैरेक्टर्स कहते हैं. और हमारे इस प्ले में ये दोनों कैरेक्टर्स मौजूद है, विजिबल कैरेक्टर्स भी है और इनविजिबल कैरेक्टर्स भी है. सबसे पहले हम बात करते हैं विजिबल कैरेक्टर्स की, जो बहुत ही बड़ा रोल करते हैं, जो एक बड़ा एक्ट करते हैं इस प्ले में. सबसे पहले जो पहला कैरेक्टर है, मैन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दैट इज द ऑनरेबल लॉर्ड फिंडहॉर्न. और सबसे पहले कौन है? लॉर्ड फिंडहॉर्न होता है. ये कौन होते हैं प्रोफेशनली? ए स्कॉटिश जज. ये स्कॉटिश जज होते हैं. कि नाम क्या होता है? ऑनरेबल. ऑनरेबल तो उसको इज्जत दी जाती है, लॉर्ड फिंडहॉर्न. लॉर्ड फिंडहॉर्न उसका नाम होता है. विलियम ब्रोडी ऑफ एल्टन एक और कैरेक्टर है. क्या नाम है उसका? विलियम ब्रोडी. और ये कौन होते हैं? ये एक स्कॉटिश लैंडलॉर्ड होते हैं. स्कॉटिश माने स्कॉटलैंड के लैंडलॉर्ड होते हैं. और उसके बाद आती है जीन लोमांट. जीन लोमांट एक और कैरेक्टर है विजिबल कैरेक्टर्स में. ये कौन होती है? एक पीजेंट वुमन होती है. और उसके बाद है कर्नल लियोनिल एलाडाइस. और एक और कैरेक्टर है, दैट इज लियोनिल एलाडाइस. ये कौन होते हैं? एक चीफ कॉन्स्टेबल होते हैं. तो बेटा ये चार कैरेक्टर जो हमारे है ना, दीज फोर कैरेक्टर्स आर विजिबल कैरेक्टर्स. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनविजिबल कैरेक्टर्स. द फर्स्ट Invisible character is Nellie Salter. Nellie Salter is the first invisible character. इसका कोई act नहीं है इसमें. She doesn't do any act. बल्कि हम इनके acts के बारे में, इस सब के बारे में by the visible characters. We know about this Nellie Salter by the visible characters. And another one is Hector Lomond. और उसके बाद कौन है? Hector Lomond है. और Inspector Sauter. और एक character है कौन? कौन सा? इंस्पेक्टर साउटर. एंड दीज थ्री कैरेक्टर्स आर इनविजिबल कैरेक्टर्स. एंड नाउ यू कैन सी हियर दैट दीज कैरेक्टर्स आर नोन ओनली थ्रू द विजिबल कैरेक्टर्स. और इन इनविजिबल कैरेक्टर्स को हम सिर्फ किन से जानते हैं? विजिबल कैरेक्टर्स से. बेटा ये था हमारा जो चार्ट था, किनका? कैरेक्टर्स के बारे में. नाउ लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले.
First of all, what you have to know here is that this is the short story or short play written by Neil Grant. Kisne likha hai? Neil Grant, already discussed. This play is about the murder mystery of Nellie Salter, a young woman. And this is very important, which you need to know. Aur ye jo hamara ye play hai na, ye kiske mutabik hai, kis related hai? Ek woman hoti hai, abhi jo humne इनविजिबल कैरेक्टर्स में पढ़ा, जिसका नाम होता है नेली साल्टर, उसी का कत्ल हो जाता है और ये एक मिस्ट्री रहता है, ये एक राज रहता है कि हु किल्ड द नेली साल्टर, और नेली साल्टर को किसने कत्ल किया है, बाय होम शी हैज बीन किल्ड, बाय होम शी हैज बीन मर्डर्ड, किसने उसका मर्डर किया है। दैट वो इस एक शक से भरा हुआ प्ले है ये, और ये नेली साल्टर एक यंग वुमन होती है। टू पीपल हु वर सस्पेक्टेड ऑफ द मर्डर वर हेक्टर लोमांट और मिसेस लोमांट। क्या बताया जाता है, और जिन पर शक किया जाता है कि इस कत्ल में किन का हाथ हो सकता है, वो कौन कौन थे, किन पर इस सस्पेक्ट हुआ था। पहले एक कैरेक्टर है जो क्या है, वो है हेक्टर लोमांट। ये हेक्टर लोमांट कौन होता है, उसका लवर होता है। किसका लवर, नेली साल्टर का लवर होता है, जिस पर शक किया जाता है शायद इसको अपने लवर हेक्टर लोमांड ने ही कत्ल किया होगा। और उसके बाद दूसरी मिसेस लोमांड, और ये मिसेस लोमांड कौन होती है, हेक्टर की माँ होती है। किस हेक्टर, इस हेक्टर लोमांड की माँ होती है। दैट मीन्स इन माँ और बेटे पर ये क्या किया जाता है, इन दो पर ये सस्पेक्ट किया जाता है, इन दो पर ये शक किया जाता है कि इन दो लोगों ने ही कत्ल किया होगा। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा अब आसान होगा ये प्ले समझना कि ये प्ले क्या है। तो फिलहाल आपको ये चीज याद रहा है कि जो हमारा प्ले है, दिस प्ले इज ऑल अबाउट द मर्डर केस ऑफ ए नेली साल्टर हु इज ए यंग वुमन बट हु गॉट सस्पेक्टेड इन दिस केस लवर ऑफ दिस नेली साल्टर हुज नेम इज हेक्टर लोमांट एंड हिज मदर मिसेस लोमांट। और दीज टू कैरेक्टर्स एंड दीज टू mother and the son got completely suspected of the murder case. Got it? चलिए बेटा, now we will. अब बेटा यहाँ से हमारा play start होता है। क्या कह रहे हैं? The scene of the play is the hall of a small shooting and a fishing lodge, the property of Lochfinhorn in the lonely valley in the West Highlands. It's sparsely furnished. Atmosphere is one of the loneliness bordering on the eerie. क्या कहा जाता है कि जो सीन है इस प्ले का, जो सीन इस प्ले का है वो क्या है, हॉल ऑफ ए स्मॉल शूटिंग। एक हॉल है, दैट मीन्स द प्ले स्टार्ट्स, जो सीन है हमारे प्ले का वो कौन सा है, एक हॉल है, एक बड़ा सा रूम है जिसमें क्या है, एक स्मॉल शूटिंग एंड फिशिंग लॉज है। और साथ में ये किसकी प्रॉपर्टी है, लॉकफिनहॉर्न की प्रॉपर्टी है। कौन सा, ये हॉल जहां पे इस प्ले का सीन स्टार्ट हो जाता है। और ये कहां पे है, इन ए लोनली वैली इन द वेस्ट हाइलैंड्स, एक अलग थलग एक वादी में है। ये बिल्कुल अलग है किससे, जो भी टाउन है, जो भी सिटी है, इससे बिल्कुल अलग है, बल्कि कहां पे, एक वादी में है, अलग थलग वादी में। किस साइड से, वेस्ट हाइलैंड से। एंड इट्स स्पेयर्सली फर्निश्ड, और जो ये हॉल है ना, स्पेयर्सली फर्निश्ड का मतलब होता है बहुत ही कम फर्नीचर है उस वाले हॉल में। द एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द लोनलीनेस बॉर्डरिंग ऑन द एरी, और जो वहां का माहौल है वो पूरी तरह से क्या है, अकेलापन, बहुत ज्यादा उदासपन है वहां पे। और साथ में क्या है, बॉर्डरिंग ऑन द एरी, और पूरी तरह से खौफ से भरा हुआ है, पूरी एरी मानी फुल ऑफ फियर, पूरी तरह से खौफ है वहां पे। और उसके बाद क्या बताया जाता है, देयर आर टू डोर्स, वन सी लीडिंग डायरेक्ट टू द आउटसाइड एंड अनदर एल लीडिंग टू अनदर रूम यूज्ड बाय द ओनर एज स्टडी, टेलीफोन आर, साइड बोर्ड ऑन आर विद जग एंड टू ग्लासेस। अब क्या बताया जाता है, और उस हाल के क्या है, दो डोर्स है, वन सी, सी हियर मीन्स सेंटर, एक सेंटर की ओर जो कहां लीड करता है, डायरेक्टली वो आउटसाइड जाता है। दैट मीन्स एक डोर जो सीधे कहां जाता है, बाहर की ओर जाता है। एंड अनदर एल, एल हियर, एल शोज द डायरेक्शन, ये सी एल आर ये सारे वर्ड्स हमें डायरेक्शन दिखाते हैं। एल माने लेफ्ट, और दूसरा लेफ्ट साइड से कहां जाता है, एक और रूम में, और ये रूम कहां की ओर जाता है, यूज्ड बाय द ओनर, और इस वाले रूम को एक ओनर जो इस हाल का है लॉकफिनहॉर्न, वो इसको इस्तेमाल करता है एज स्टडी, स्टडी माने एक स्टडी रूम के बतौर उसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या है वहां पे, टेलीफोन, और राइट साइड से टेलीफोन है, और साइड बोर्ड है, और साथ में क्या है वहां पे, दो जग है, सॉरी विद जग है और दो ग्लासेस है।
और उसके बाद क्या कहा जाता है, लॉर्ड फिंडहॉर्न इज सीटेड एल। यहाँ पे आपने देखा ना बेटा, यह लाख हुआ है, एक्चुअली इट्स लॉर्ड। फिर क्या बताया जाता है, ये आपकी बुक में मतलब मिसप्रिंट हुआ है, क्या बताया जाता है, लॉर्ड फिंडहॉर्न इज सीटेड एल फ्रॉम द लेफ्ट साइड, हु इज सीटेड, लॉर्ड फिंडहॉर्न बाय द टेबल इन द सेंटर, एंड द टेबल इज इन द सेंटर, ही वियर्स ए डिनर जैकेट, और उसने क्या पहना है, एक डिनर जैकेट पहना है, ही इज एल्डरली मैन, और ये कोई जवान नहीं है, लॉर्ड फिंडहॉर्न कोई जवान नहीं है बल्कि एक एल्डरली मैन है, ओब्वियसली अ लायर, और बेशक कौन है, एक लायर है, जज होता है तो जज को, जज बनने से पहले उसको लायर होना जरूरी होता है, विद अ कीन बट काइंडली फेस, और बड़ा ही कीन होता है और साथ में बड़ा काइंड काइंड होता है, बड़ा रहमदिल होता है, एट द अदर साइड ऑफ द टेबल, और दूसरे साइड टेबल के दूसरे साइड में कौन होते हैं, नॉट अ वेरी लार्ज, न कि वो ज्यादा बड़ा होता है, इज हिज गेस्ट, और उसका मेहमान होते हैं, वो कौन होते हैं, विलियम ब्रोडी, वो कौन है, विलियम ब्रोडी, हु इज ऑल्सो इन ए डिनर जैकेट, उसने भी डिनर जैकेट पहना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ बेटा कि ये डिनर जैकेट क्यों पहनते हैं, क्योंकि वेस्ट में ज्यादातर जब लोग डिनर करते हैं, लंच करते हैं, खाने जब भी वो कुछ भी खाते हैं ना, वो अच्छे से डिनर जैकेट्स पहनते हैं, इसलिए कि उनकी कपड़े खराब ना हो, एंड दे ऑलवेज लाइक टू रिमेन नीट एंड क्लीन, वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहने चाहते हैं, और क्योंकि वो इतना रेस्पेक्ट खाने को करते भी है, इसीलिए क्या बताया जाता है, दोनों गेस्ट ने भी और होस्ट ने भी क्या किया है, दोनों ने क्या किया है, उन्होंने डिनर जैकेट्स पहने हैं, और ही इज ए यंगर मैन देन फिंडहॉर्न, लेकिन जो ये विलियम ब्रोडी है, ये अपने इस लॉर्ड फिंडहॉर्न से थोड़े जवान है, उससे उतना बूढ़ा नहीं है जितना ये है, एंड बिलोंग्स टू द सेम क्लास, और दोनों एक क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लास का यहाँ पे मतलब वो नहीं है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे क्लास मानी कि एक ही ग्रेड की है, मतलब जो सोशल स्टेटस होता है, सोशल स्टेटस में उनका क्लास एक ही है, ये एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, बल्कि एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, किस क्लास से, अपर मिडल, एज इज होस्ट, जैसे उसका होस्ट है, एग्जैक्टली बोथ ऑफ देम आर सेम, एज द कर्टेन राइज, जैसे आप पर्दे रेज हो जाते हैं, राइज मतलब खड़े मतलब ना उठ जाते हैं, इज ए मोन ऑफ ए डे इज ए डाइंग विंड, और जैसे ही पर्दा उठता है फिर क्या होता है, वहां से वहां पे एक आवाज आ रही है डाइंग विंड की, दैट मीन्स अब ये विंड हवा जो ये तेज हवा चल रही है ना, अब ये कम होती जा रही है, उसकी कम होने की वो आवाज, मोन माने द साउंड, दैट साउंड इज हर्ड, गॉट इट, दैट मीन्स बहुत ज्यादा डरावना क्यों है, वहां पे बहुत ज्यादा अजीबोगरीब के मतलब वो थंडर लाइटनिंग होती है, और क्या कह रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है, नाउ द विंड इज डाइंग एंड द साउंड ऑफ दिस डाइंग विंड इज हर्ड, अब उस डाइंग विंड का साउंड सुना जाता है, नाउ वी विल गो थ्रू द प्ले एंड वी विल गो थ्रू द कन्वर्जेशन बिटवीन द कैरेक्टर्स हु एक्ट इन द प्ले, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, चलिए बेटा आप नजर रखिए, अब यहां से हमारा प्ले स्टार्ट होता है, क्या बताते हैं, द फर्स्ट डायलॉग इज ऑफ द जज, वो किसका है, जज का, जज क्या बताते हैं, द विंड इज डाइंग डाउन, अब जो ये विंड है, जो ये हवा चल रही है, जो बहुत तेज हवा चल रही है, अब ये क्या हो रही है, डाइंग डाउन, डाइंग डाउन कम हो रही है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, ब्रॉडी, और ब्रॉडी जो साथ होते हैं, राइजेस एंड गोज टू विंडो, वो उठता है अपनी सीट से, विंडो की ओर जाता है, विंडो आर्क की ओर जाता है, पीयरिंग थ्रू कर्टेन्स, और पर्दों से देख रहा है बाहर की ओर की किस तरह विंड चल रहे, यस क्या बताया, हाँ बिल्कुल, बट इट डजेंट लुक टू गुड, मगर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, मतलब हवा इतनी तेज चल रही है, इतनी डरावनी है कि बिल्कुल भी ठीक कुछ नहीं लग रहा है, जज नो इट सेल्डम डज इन दिस पार्ट, अरे नहीं इन पार्ट पे ये अक्सर होता है, सेल्डम माने ऑफन, अक्सर अक्सर यहाँ पे ऐसे ही होता है, क्यों, क्योंकि ये अलग थलग जगह है, ये एक वैली है, वादी है, न कि इसको सिटी है, बिल्कुल एक हिल साइड है, तो यहाँ पे तो मौसम ऐसा ही होता है, तो ये यहाँ अक्सर ऐसे इन पार्ट पे ऐसा ही होता है, ब्रॉडी पुटिंग बैक कर्टेन्स, ये वापस पर्दे रखते हैं, स्लाइटली शिवर्स, शिवर मतलब कांप जाना, लरजना, थरथराना, तो ये थोड़ा थरथरा रहा था बेचारा, और क्या कहा, नो नहीं, जज स्माइल्स एट ब्रोडी, रिटर्न्स टू हिज चेयर, और फिर जज क्या करता है, ये स्माइल करता है ब्रोडी की ओर, जब ब्रोडी वापस अपनी चेयर पर बैठने आता है, टू एरी फॉर यू, क्या बताने लगा, हाँ आपके लिए बहुत डरावना है, एरी माने फुल ऑफ फियर, हाँ आपके लिए जो ये विंड है, जिस तरह ये चल रहे है, आपके लिए बहुत एरी है, बहुत फुल ऑफ फियर है, एट नाइट दिस प्लेस बिकम्स वेरी आइसोलेटेड, डेस्पाइट वेविंग हिज हैंड्स, इलेक्ट्रिक लाइट, टेलीफोन, वायरलेस एंड सो ऑन, आई एम वेरी सेल्डम ऑनर्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ लेडीज एंड माई एडिनबर्ग मेट्स,
वो पोलाइटली रिफ्यूज टू कम. अब ये इसको क्या बता रहा है, लेकिन एट नाइट, नाइट पर जो ये प्लेस होते हैं ना, ये और ज्यादा आइसोलेटेड बन जाते, और ज्यादा मतलब यहाँ पे उदासी और अकेलापन दिख जाता है. और साथ में ये क्या वेव कर रहे हैं, अपने हैंड्स हैंड को वेव कर रहा है, दिखा रहा है उसको इलेक्ट्रिक लाइट भी, टेलीफोन भी, वायरलेस भी, इनके अलावा मतलब इनके होने के बाद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आइसोलेटेड होता है ये. और यहाँ पे क्या होता है, आई एम वेरी सेल्डम ऑनर्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ लेडीज एंड माई एडिनबर्ग मेड्स पोलाइटली रिफ्यूज. मतलब और जितने भी यहाँ पे लेडीज है बाकी, वो बहुत क्या करते हैं, बड़े पोलाइटली रिफ्यूज करते हैं यहाँ से. इसका मतलब है कि कोई भी, चाहे मेड्स हो या कोई भी कोई अदर वुमेन, दे आर नॉट रेडी टू कम हियर. कोई भी यहाँ आने के लिए राजी नहीं होते. इतनी ये डरी हुई और इतनी ये डरावनी जगह है, और इतनी यहाँ पे डरावनी रातें होते हैं. गॉट इट डियर स्टूडेंट्स. चलिए ब्रॉडी, आई लाइक द प्लेस. हाँ अरे, मुझे तो ये प्लेस बड़ी पसंद है. जज, इट इजंट एवरीबडीज कप ऑफ टी, बट इट्स अ चेंज फ्रॉम टाउन एंड आई फाइंड आई कैन म्यूज अवे द डेज वेरी प्लीजेंटली. और फिर जज क्या बता देता है, जैसे ब्रॉडी ने बताया कि मुझे ये प्लेस पसंद है, तो जज क्या जवाब देता है, इट्स नॉट एवरीबडी इज कप ऑफ टी. अरे ये हर एक बस की बात नहीं है यहाँ रहना, क्योंकि ये बिल्कुल टाउन से चेंज है. और उसके बाद वो सोच रहा है कि चलो मैं कुछ और दिन भी यहाँ बड़े प्लेजेंटली रहना चाहता हूँ. दैट मीन्स वो अपनी वेकेशन को स्पेंड करना चाहता है यहाँ पे ब्रॉडी. एंड द नाइट्स, और अच्छा नाइट्स कैसे होते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं क्या बताता है नाइट्स कैसे होते हैं. On some nights, Judge, on some nights, I confess, I became a kid again and I hear the strange sounds in the Glenmani Valley. क्या बता रहा है उसको? On some nights, हाँ कुछ nights पर, I confess, confess माने मानना, इकरार करना, स्लीम करना, मैं मानता हूँ. क्या? I became a kid again, मैं दोबारा एक बच्चा बनता हूँ. क्यों? And I hear, जब मैं क्या ये स्ट्रेंज साउंड सुनता हूँ ना वैली में, जब इसका मतलब है कि ये इतनी डरावनी जगह है, जब मैं भी ये स्ट्रेंज साउंड सुनता हूँ ना, मैं भी एक बच्चे की तरह डर जाता हूँ, मैं भी एक बच्चा बन जाता हूँ कभी कभार. कुछ नाइट्स ऐसे भी होते हैं, और ये भी मैं खुद भी मानता हूँ, ये मैं खुद भी तस्लीम करता हूँ ब्रॉडी. मनी लेजेंड्स, अब उसके बाद ये क्या बता रहा है उसको, लेजेंड्स या मनी द स्टोरीज, क्या कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इस जगह से बहुत सारे कहानियां वाबस्ता है. जज, प्लंट, हाँ बहुत सारे. Would you like to hear some of them? क्या आप सुनना चाहते हो कुछ उनमें से, उन कहानियों में से जो इस जगह से वाबस्ता है, क्या आप उनमें से कुछ सुनना चाहते हो? ब्रॉडी, नो थैंक यू वेरी मच. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बोथ लाफ, और दोनों हंसते. क्यों? ब्रॉडी डर जाता है बेचारा. टुमारो इफ यू लाइक, नॉट टुनाइट. नहीं, कल अगर आप बताओगे कल बताना, मगर आज रात नहीं. क्यों? रात थी, रात स्पेंड करनी थी, रात गुजारनी थी. हाउ वॉज दिस पॉसिबल कि जब वो इतनी डरोनी कहानियां सुनेगी उसके बाद उसको नींद आएगी? हाँ, तो इसीलिए उसने बताया कि नहीं आज नहीं, आज रात नहीं, लेकिन अगर कल आप बताना चाहते हो कल बताओ. जज, वेल चलो ठीक है, आई एम यूज टू दिस प्लेस. मैं इस प्लेस का यूज टू हूँ, यूज माई आदि, मैं इस प्लेस का आदि हूँ, हैबिचुअल है मेरे लिए. बट आई एडमिट दैट टू नाइट इज जम्पी, लेकिन मैं मानता हूँ, ये मैं तस्लीम करता हूँ कि आज की रात जो है वो थोड़ी सी जम्पी है. जम्पी माने यहाँ पे थोड़ा डर है, बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि डेंजर से भरा हुआ है. एंड इट्स पर हैपन्स दैट वेरी पिक्यूलर विंड वी हैव हैड ऑल डे, शायद इस वजह से जो ये पूरे दिन ये हवा चल रही थी, तेज हवा चल रही थी, शायद इसी वजह से ये सारा डरोनी और जंपी ये रात बन गई है. गॉट इट? और उसके बाद, बट यू रादर लाइक लोनलीनेस. फिर उसके बाद ये ब्रॉडी उसको बोला, हाँ बेशक, और आप इस तन्हाई को पसंद भी करते हो. जज, गुड थिंग फॉर मी, हाँ मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए ये अच्छा है. कौन सी? ये तन्हाई, अलग रहना मेरे लिए अच्छा है. इट्स अ गुड थिंग फॉर मी. फिर क्या बता रहा है उसको, एनी जज इज ए सॉलिटरी सॉर्ट ऑफ फेलो. मतलब हर एक जज बेचारा एक ही ऐसा ही बंदा होता है. यू हैव नो आइडिया हाउ लोनली अ जज फील्स ऑन द बेंच. आपको नहीं पता होता है कि ये जज जो अब बेंच पर आता है, किस बेंच पर, जहां पे उसकी एक सीट होती है, जब वो वहां पे आता है, आपको नहीं पता है कि वो क्या फील करता है. मच मोर लोनली देन द लैड इन द डॉक. और उस बंदे से भी ज्यादा ये तनहा महसूस करता है. किससे? जिसको इस डॉक में लाया जाता है. डॉक माने वो कटघरा, जिस कटघरे में उसको खड़ा करते हैं. कह रहे कि उससे भी जो अपोजिट टू हिम होता है, उससे भी ज्यादा ये अपने आप को क्या फील करता है, अकेला फील करता है. एंड देन आई एम ए बैचलर, और यहां से मैं एक बैचलर भी हूं. राइजेस, फिर ये खड़ा हो जाता है. व्हाट अबाउट अ ग्लास ऑफ पोर्ट, आप क्या चाहते हो, चलो लेट्स हैव अ ड्रिंक. तो क्या बता रहे कि चलो लेट्स हैव अ पोर्ट माने लेट्स हैव अ ड्रिंक. ब्रॉडी, थैंक यू जज. अरे शुक्रिया जज, कोई जरूरत नहीं है. जज, 1900 ही पियर्स आउट टू ग्लास ऑन द सी. और क्या बता रहा है कि ये 1900, हियर इट सेज अबाउट द टाइम.
यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना बेटा. डज इट टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ द वाइन और द टाइम ऑफ द वाइन, मगर यहाँ से हमें आगे पता चलेगा कि व्हाट इट्स ऑल अबाउट. क्या कहता है कि ये उसके बाद दो ग्लासेस निकालते हैं टेबल पर. क्या कह रहा है, आई हैव ऑलवेज फाउंड ओल्ड वाइन. कह रहा है कि मैंने हमेशा ओल्ड वाइन, क्या दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द 1900, इट्स ही इज टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ द पॉइंट. मेरे पास वो ओल्ड, ये पुराना वाइन है. और फिर क्या बता रहा है उसको कि आई हैव ऑलवेज फाउंड, मैंने हमेशा ये पाया क्या कि जो ये ओल्ड वाइन होता है ना, इज अ गुड क्योर फॉर रा नर्वस. रा नर्वस का यहाँ पे मतलब होते हैं जब आप के नर्व्स पूरी तरह से डरे हुए होंगे, व्हेन यू आर कंप्लीटली फुल ऑफ फियर, व्हेन देयर इज एक्सट्रीम फियर इन योर सेल्फ, जब आप में पूरी तरह से खौफ हो. तो बता रहा है कि जब इन रा नर्व्स के लिए जो ये ओल्ड ओल्ड वाइन होता है, ये मैंने पाया है कि बिल्कुल अच्छा होता है, इसीलिए वी शुड वॉच, वी शुड गो थ्रू द वाइन, हमें पीना चाहिए. जज सिट्स डाउन एंड दे टोस्ट ईच अदर, और वो नीचे बैठ जाता है और वो एक दूसरे से क्या करते हैं, टोस्ट करते हैं, जैसे चीयर्स करते हैं. तो इस तरह वो एक दूसरे से करते हैं, कौन, ब्रॉडी एंड द जज. उसके बाद ब्रॉडी, गुड लक जज. अब ये ब्रॉडी उसको बता रहा है कि अब पीना है ना, तो बता रहा है कि चलो गुड लक जज. एज ब्रॉडी इज अबाउट टू रेज हिज ग्लास अगेन, द सेंट्रल डोर इज साइलेंटली ओपनड. जैसे ही ब्रॉडी अब अपनी गिलास को उठाना चाहता, दोबारा उठाने की तैयारी कर रहा था, दैट मीन्स उसको पीने की तैयारी कर रहा था, और फिर सडनली क्या हुआ है, सेंट्रल डोर बड़े खामोशी से खुल गया है. दैट मीन्स जो सेंटर डोर था वो खुल गया है. हाँ, डियर एंटर्स वेरी क्वाइटली जी लोमान, और वहां से कौन एंट्री मारती है नॉक करने के बगैर, ऐसे चुपचाप अंदर आती है. कौन आती है, ये जी लोमान क्वाइटली बड़े खामोशी से अंदर आते हैं. याद रखना बेटा, आई ये कैरेक्टर भी, दैट मीन्स ये जज भी आया, ब्रॉडी भी आया, अब तीसरा कैरेक्टर कौन आ रहा है, जी लोमान. अब ये साइलेंटली अंदर घुसी, किस में, इस हाल में जहां पे ये दोनों बैठे हुए थे. किस लिए बैठे हुए थे, अब ये दोनों वाइन पीने पीना चाहते थे. जैसे वो आई, शी इज अ मिडल एज्ड वूमन, और कैसी वो औरत है, मिडल एज्ड वूमन है, ज्यादा ना जवान है ना ज्यादा बूढ़ी है, मिडल एज्ड है. ऑफ ए पीजेंट अपीयरेंस, और कैसी है, एक पीजेंट अपीयरेंस है, उसका शक्लो सूरत एक पीजेंट वुमन की तरह है. शी इज डार्क stately, stern, with an air of distinct, यानी कि बिल्कुल वो बाकियों से different है, बिल्कुल वो मतलब ना एक sternly stern, एक sacred type, और dark dark है वो. फिर क्या बताया जाता है, she wears a kerchief, और उसने क्या किया है, एक kerchief, एक कपड़ा पहना हुआ था round her head, अपने सर पर एक कपड़ा बांधा था. she shuts door quietly, और बड़े आराम से दरवाजे को बंद करती है. and stands motionless for a second, फिर कुछ टाइम के लिए motionless रहते हैं, मतलब हरकत के बगैर वहां पे खड़ा रहती है. फिर क्या होता है, ब्रोडी हैज रेज्ड हिज ग्लास टू हिज, ब्रोडी ने अपना ग्लास अपने लिप्स तक पहुंचाया था. जज डूइंग सेम, जज ने भी वैसा ही किया था. व्हेन ब्रोडी सीज जीन, जैसे ब्रोडी को अब जीन की ओर नजर पड़ती है, ही जंप्स, वो खड़ा उठता है, क्यों, डर जाता है ना बेचारा. गुड गॉड, गुड गॉड यार, अरे खुदा, ओ गॉड, ही राइज एंड स्टेयर्स एट, वो खड़ा हो जाता है और इस वुमन की ओर घूर घूर के देख रहा था. जज, ए He looks round and also rises. और वो भी हैरान होकर कह रहा है, अरे ये क्या चल रहा है, अरे ये क्या हो रहा है. Both of them putting down their glass. दोनों ने अपने ग्लास को नीचे रखा. And she stands see. और वो सेंटर पे खड़ा थी, behind the table, table के पीछे, motionless, कौन, ये जी लोमान. जज एड्रेसेस हर, अब जज उसको बता रहा है क्या, Who are you, आप कौन हो. तो जीन क्या जवाब देती है, यहां नजर रखिए बेटा, जीन क्या जवाब देती है, बड़े इज्जत से क्या बताते हैं, बड़े हम्बली जवाब देते हैं, लोमान, मेरा नाम लोमान है, मिसेज जीन लोमान इज माय नेम, और मेरा नाम मिस जीन लोमान है. माय लॉर्ड, मगर कैसे बात करती है, बड़े इज्जत से बात करती है. माय लॉर्ड, शी स्पीक्स स्लोली विद डिग्निटी, बड़े इज्जत से वो बात करती है और बड़े धीरे धीरे बात करती है. और उसके बाद जज ग्रेवली, ग्रेवली मानी एंगरली, हाउ डिड यू गेट इन हियर, आप अंदर कैसे आई. जीन, I just came by the door. अरे मैं तो दरवाजे से अंदर आई है, देखो. हाँ, जज, without knocking. अरे knock करने के बगैर आप अंदर आई. जीन, without knocking, my lord. हाँ, knocking के बगैर मैं अंदर आई. तो फिर क्या बताता है इसको जज, unusual behavior, isn't it? ये तो अजीबोगरीब behavior है आपका, क्या नहीं है. जीन,
विदाउट बजिंग, कुछ कहने के बगैर, मतलब ना इधर उधर देखने के बगैर, अनयूजुअल। इट्स हाँ बिल्कुल अनयूजुअल है माई लॉर्ड, अ पॉज, और उसके बाद वो रुक जाती है, फिर क्या बता देती है, यू रिमेंबर मी मे बी माई लॉर्ड, शायद आप मुझे जानते हो माई लॉर्ड। जज क्या बता देता है, आई डू, हाँ मैं जानता हूँ। ब्रॉडी, आई रिमेंबर यू टू। ब्रॉडी भी यहां से उठता है, हाँ मैं भी आपको जानता हूं, मुझे भी आप याद हो। जज, यू आर द मदर ऑफ द हेक्टोलोमांस एंड यू गिव एविडेंस एट हिज ट्रायल। अब उसको क्या बता रहा है जज, आप कौन हो, आप मदर हो किसकी, हेक्टोलोमार की। बेटा देखो हेक्टोलोमार इनविजिबल कैरेक्टर है जो खुद यहां पे नहीं आता है बल्कि दूसरे से जाना जाता है, तो क्या बताया जाता है इसको जज, कि आप माँ हो किसकी, हेक्टोलोमार की, और आपने ही गवाही दी, कहां, एट हिज ट्रायल, उसके मुकदमे में आपने ही गवाही दी, मतलब जब उसका केस चल रहा था। कौन सा केस, पहले ही बोला मैंने कि उस पे केस डाला गया था कि इस शक में क्या आप, उसने अपनी लवर नैली साल्टर का कत्ल किया है, और क्या बोला कि जब उसकी उसका मुकदमा चल रहा था, और ये अब जज बता रहा है कि हाँ मैं तो आपको जानता हूं, आप कौन हो, आप मदर हो किसके, हेक्टर लोमार के, और आपने गवाही दी इसके केस में, अपने बेटे की इस मुकदमे में आपने गवाही दी, जेन, आ आई एम हिज मदर, हाँ मैं उसी की माँ हूँ, एंड आई गिव एविडेंस, हाँ बिल्कुल मैंने एविडेंस दी उसके ट्रायल में। फिर ब्रॉडी, वाई इज योर सन, फिर ब्रॉडी उसको बता, अच्छा आपका बेटा कहाँ है, आप, दैट मीन्स हेक्टर लोमार्ट कहाँ है, जेन, ही लेफ्ट फॉर कैनेडा, कैनेडा यस्टरडे सर, और क्या बता रही है, वो निकल पड़ा, वो मतलब चला गया, कहाँ, कैनेडा गया था कल। जज, हाउ डू यू गेट हियर, आप यहाँ कैसे आई, आई वॉक, जेन क्या बता रहा है, मैं पैदल यहाँ आई। जज, ऑल द वे फ्रॉम द बे, क्या कोस्ट, बे माने कोस्ट, क्या आप समंदर के उस पार से क्या आई हो, आप उस पार से पैदल आई हो। जेन, यस हाँ बिल्कुल। जज, यू मस्ट बी टायर्ड, प्लीज सिट डाउन। अब जज उसको क्या बता रहा है, फिर आप बहुत ज्यादा टायर्ड, थकी हुई होगी, बहुत ज्यादा थक चुकी होगी, आप क्या करें, बैठ जाइए। जेन, थैंक यू माई लॉर्ड, बट आई वुड रादर स्टैंड, शुक्रिया आपका लॉर्ड, शुक्रिया आपका जज, मैं प्रेफर करती हूँ, मैं खड़ा ही रहूंगी, आई प्रेफर, आई रादर स्टैंड, मैं खड़ा ही रहूंगी। उसके बाद जज, नो नो, एंड ही प्लेसेस हिज चेयर फॉर हर, शी सिट्स डाउन विद डिग्निटी, जज स्टैंड्स आर फेसिंग हर, व्हाई हैव यू कम हियर। आप जज उसको बता रहे, अरे नहीं नहीं आप ऐसे खड़ा कैसे रहोगी, और उसके बाद ये अपनी चेयर उठाता है, उसको प्लेस करता है, उसकी ओर देता है, फिर क्या बताते हैं, शी सिट्स डाउन, और वो चेयर पर बैठ जाते हैं बड़ी इज्जत के साथ, और फिर जज क्या करता है, आर्मिनी राइट साइड से खड़ा रहता है फेसिंग हर, और उसको देख रहा है, और बता क्या बताया उसको, व्हाई हैव यू कम हियर, अच्छा बताओ अब आप यहां क्यों आई, सही है, आप यहां क्यों आई, जीन, टू थैंक यू माई लॉर्ड, आपको शुक्रिया करने के लिए लॉर्ड मैं यहां आई हूं। जज, फॉर व्हाट, अरे किस लिए शुक्रिया, किस बात के लिए आप शुक्रिया करने आई हो। जिन, फॉर फ्रीइंग माय सन फ्रॉम द गैलोज, गैलोज माने हैंगिंग, फांसी से, क्या बता रहा है इसको, मैं आपके आपको शुक्रिया इसलिए करने आई हूं क्योंकि आपने मेरे बेटे को फ्री किया है, आजाद किया है, किससे, फांसी से, फांसी से आपने मेरे बेटे को बचा लिया है। जज, आई डिडंट फ्री हिम, अरे मैंने उसको आजाद नहीं किया, मैंने उसको नहीं छोड़ा, द ज्यूरी फाउंड हिम नॉट गिल्टी, और जो ज्यूरी मेंबर्स है, ज्यूरी मेंबर्स माने जो बाकी जज है, उन्होंने उनको उसको क्या साबित किया है, उसका कोई कसूर नहीं है, नॉट गिल्टी माने उसका कोई कसूर नहीं था, एंड देयर फोर आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू सेट हिम एट लिबर्टी, और मेरे पास कोई और ही अल्टरनेटिव नहीं था, और कोई वजह ही नहीं था, और मुझे उसको आजाद छोड़ना पड़ा, एट लिबर्टी माने आजाद छोड़ना पड़ा, और मुझे उसको आजाद छोड़ना पड़ा। जेन, इट वॉज यू माई लॉर्ड, As soon as you entered the court and sat down on your seat of justice, you looked at the hector and I said to myself, my son is safe. आप देखो क्या बता रहा है इसको, नहीं नहीं इट वॉज यू माई लॉर्ड आप ही थे जिसने क्या किया, मेरे बेटे को बचा लिया था। जैसे ही आपने एंट्री की, जब आप कोर्ट में आए और आप अपने सीट ऑफ जस्टिस पर बैठ गए, इंसाफ की कुर्सी पर बैठ गए, फिर क्या बता रहा है उसको, तब ही मैंने क्या किया है, उसके बाद यू लुक्ड एट हेक्टर, उसके बाद आपने हेक्टर की ओर देखा, फिर मैंने अपने आप से कहा कि मेरा बेटा अब सेफ है, मतलब इस तरह जब आपने मेरे बेटे की ओर नजर, इसलिए आप ही हो जिसने मेरे बेटे को बचा लिया। जज, मिसेस लोमार, अभी इसको बता रहा है, मिसेस लोमार, आई ऑट टू पॉइंट आउट टू यू दैट आई नेवर डिस्कस एनी केसेस, पर्टिकुलरली क्रिमिनल केस एंड अबव ऑल ए ट्रायल फॉर मर्डर,
विद एनी इंटरेस्टेड पार्टीज. क्या बता, अरे मिसेज लोमार, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं कभी भी ऐसे केसेस को किसी के साथ डिस्कस नहीं करता हूँ, पर्टिकुलरली वो केस जो मर्डर केस होंगे, किसी भी पार्टी के साथ में इनको डिस्कस नहीं करता हूँ. एलो मी, अरे मुझे एलो करे, मुझे ऐसा कहने मतलब मुझे मत ये बातें करने दो. हाउएवर टू से दिस, आई हैड नो प्रेजुडिस ऑन वे वन वे और टू द, मुझे कोई भी प्रेजुडिस माने जिद की ना बुक्स, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना एक से ना किसी और से. योर सन वॉज फाउंड नॉट गिल्टी, आपके बेटे को कोई भी कसूर नहीं चढ़ा. आप जो जूरी मेंबर्स वहां पे थे, उन्होंने आपके बेटे को पूरी तरह से क्या पाया है, मासूम पाया है, किसी भी गलती के बगैर पाया है. और उसके बाद क्या हुआ, सो आई सेट हिम एट लिबर्टी, और इसलिए मैंने उसको आजाद छोड़ दिया है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केस के बगैर नहीं, जब कोई केस उस पर चढ़ा ही नहीं, जब ऐसा कोई केस दिखा ही नहीं कि आपका बेटा इसमें सस्पेक्टेड था, लेकिन उसका कोई केस नहीं था, नहीं लगा कहीं से कि इस मर्डर केस में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, और आखिरकार जूरी ने डिसाइड किया और मुझे कुछ और नहीं करना था और आपके बेटे को आजाद छोड़ना था, और ये सारे बातें उसको ये सुना रहा है. उसके बाद जेन क्वाइटली, बड़े क्वाइटली अब जेन बताती है, क्या यू सेव्ड माय सन, अरे जज, अरे माय लॉर्ड, आपने ही मेरे बेटे को बचा लिया. जज पेशेंटली मगर अब बड़े सब्र से जज उसको बता रहा है. क्या बताता है, देखिए, वेरी वेल, अच्छा ठीक है, एंड यू केम ऑल दिस लॉन्ग वे ऑन सच एन हाई टू टेल मी दिस, अब आप इतने दूर से आए हो मुझे ये बात कहने के लिए, ये शुक्रिया वर्ड कहने के लिए, इतने दूर से आप आई हो इस रात में ये बताने के लिए. जेन, यस. जेन क्या बताती है, हाँ बेशक, यही बताने के लिए. एंड आई एम ब्रिंगिंग यू माई लॉर्ड, फॉर यू एंड योर फ्रेंड, अ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट. बेटा यहां अब आपको पता चला होगा कि हमारे प्ले का नाम क्यों है अ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट, क्योंकि अब जिक्र हो रही है फुल ऑफ सी ट्राउट की. अब आगे भी देखेंगे कि क्या कहानी है ये, क्या है कि अब ये मैं दूर से आया हूं, मैंने क्या लाया, आई एम ब्रिंगिंग यू, मैं ला रही हूं क्या आपके लिए और आपके दोस्त के लिए, मैंने क्या लाया, ए बास्केट फुल ऑफ, एक बड़ी टोकरी मैंने लाई है पूरी भरी हुई है, किनसे किनसे बेटा, इन्हीं ट्राउट्स फिश से. जज हरीडली, बट जज ने बड़ी तेजी से क्या कहा, आई कुडंट पॉसिबली एक्सेप्ट, अरे मैं ये पॉसिबली एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्यों, इट्स अ टाइप ऑफ ब्राइब, इसको लगा कि एक रिश्वत जैसा है. तो कैसे एक अच्छा जज है, काइंड जज है, बड़ा सीरियस है अपने जॉब के रिलेटेड, तो बता रहा है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आई कुडंट पॉसिबली एक्सेप्ट इट. जिन, दे आर नॉट इजी टू गेट नाउ एंड आई कॉट देम माइस, अरे ये आज के मौसम में, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा चल रही है, बुढ़ारों नहीं रहते हैं, कह रहे कि इन दिनों ये आसान नहीं है पकड़ना ये ट्राउट, मैंने उनको खुद पकड़ा है, आई कॉट देम बाई माई सेल्फ, मैंने खुद पकड़ा है उनको. जज, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, मगर ये आपकी बड़ापन है, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने पकड़ा है, मगर बट मतलब नहीं, मगर मैं इनको नहीं ले सकता हूं. मगर उसी में क्या हुआ, जेन इंटरप्टिंग, जेन ने इंटरप्ट किया और कुछ कहने नहीं दिया जज को, और फिर क्या हुआ, आई कॉल्ड देम मायसेल्फ, और दोबारा क्या बता रही, अरे जज मैंने उनको खुद क्या किया है, मैंने खुद इनको पकड़ा है, मैंने खुद इन मछलियों को पकड़ा. ब्रॉडी लुक्स एट जज एज मच एज टू से, अब ब्रॉडी जो है वो जज की ओर देख रहा है, और ऐसा दिखता है कि ब्रॉडी इसको ये बताना चाहता है, क्या, टेक द पुअर वुमेन्स गिफ्ट, अब इस पुअर वुमेन का गिफ्ट ले लो, जो उसने अब ये सी ट्राउट लाया है, अब ये पकड़ो. ऐसा मतलब ब्रॉडी ने जैसे उसकी ओर देखा, ये बातें वो कहने वाला था. जज, व्हाई डोंट यू सिट डाउन प्लीज एंड हैव समथिंग, और क्या बताया उसको, अब आप क्यों नहीं बैठ जाती हो, अब बैठो और कुछ खा जाओ, कुछ खाने के लिए ले लो. जज, सॉरी जेन, नो थैंक यू माय लॉर्ड, अरे नहीं शुक्रिया माय लॉर्ड, हाँ, आई नीड नेदर फूड नॉर ड्रिंक, आई विल सून बी गोइंग, ना मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए ना पीने के लिए कुछ चाहिए, और मैं जल्दी अभी जाने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ. जज, आई विल गेट माई कार टू टेक यू होम, अरे मैं आपको अपनी गाड़ी में वहां घर लेके जाता हूँ, क्योंकि आप बड़े दूर से आई हो, अब ऐसे कहाँ जाओगे, मैं आपको अपनी गाड़ी में ड्रॉप करता हूँ. जेन, आई नीड नो कार टू टेक मी टू माई होम, आई केम अलोन एंड आई गो बैक अलोन, आई पास एंड देन टू जज माई सन वॉज वर्थ सेविंग, और फिर जेन क्या बता देती है कि मुझे कोई कार वार की जरूरत नहीं है, मैं आई भी अकेली और जाऊंगी भी अकेली ही. और उसके बाद एक पास के बाद फिर ये जज को बताती है, क्या,
माई सन वॉज वर्थ सेविंग. वर्थ सेविंग का मतलब मेरा बेटा बिल्कुल बचाने के लायक था. मतलब अच्छा हुआ कि आपने मेरे बेटे को बचाया, क्योंकि ही वॉज यू नो वर्थ सेविंग, ही वॉज डिजर्विंग टू बी सेव्ड. वो बिल्कुल वो डिजर्व करता था उसको बचाया जाए. जज, आई एम अफ्रेड, आई कॉन्ट लिसन टू वट यू आर अबाउट से. अभी क्या कर रहा है? अरे आई एम अफ्रेड, अरे मैं अब डरा हुआ हूं. आई कैन नॉट लिसन टू वॉट, अब मैं नहीं सुन सकता हूं क्या? वट यू आर अबाउट से, जो भी आप बताना चाहते हो, आई डोंट वांट टू लिसन. व्हाई? एक जज है, ही फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस. किसी केस को इंडिविजुअली सीक्रेटली डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए उसको बता रहा कि नहीं, मतलब मैं अब डरा हुआ हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग विद यू. मैं कुछ भी आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है. जेन, यस माई लॉर्ड, यू विल लिसन. अरे माई लॉर्ड, आप सुनोगी मेरी बात. यू विल लिसन, आप सुनोगी मेरी बात. यू एंड योर फ्रेंड, आप भी और आपका दोस्त भी सुनेगा. समथिंग इन हर ट्यून सरप्राइज द टू मैन. और जिस ट्यून में, जिस लहजे में उसने ये बात कही, और इन दोनों को उसने क्या किया है? सरप्राइज किया है. उसके बाद क्या बता रहा है कि दे ऑलमोस्ट सीम अंडर ए स्पेल. और दोनों ऐसे अलग रहे ना कि मतलब वो एक टेरिफाइड शॉक में लग गए हैं. दोनों एक शॉक लगा उनको. एंड दे सिट डाउन, और दोनों बैठ गए हैं. ही वॉज ए गुड सन. क्या बताने लगी उनको? कि वो एक अच्छा बेटा था. ही वुड हैव बीन ए गुड हजबेंड टू द राइट वूमन. और वो एक अच्छा हजबेंड भी साबित होता एक अच्छे वूमन के लिए. बट दैट वूमन वॉजंट राइट. लेकिन वो औरत ठीक नहीं थी. कौन सी औरत? जिसके केस केस के लिए उसको सस्पेक्ट किया गया था. दैट मीन्स कौन सी औरत? नैली साल्टर. क्योंकि उसके साथ वो प्यार करता था, खैर कि वो औरत मगर सही नहीं थी. एंड शी टर्न्स फियर्सली टू ब्रोडी. अब ये बड़ी तेजी से फास्टली कहाँ की ओर टर्न करती है? ब्रोडी की ओर. ब्रोडी, आई शुड से शी वॉज ए बैड वुमन. हाँ आई शुड से, हाँ मैं भी ऐसा कहूंगा कि वो एक बुरी औरत थी. जेन, शी वॉज आउट टू रून मैन. माई सन हेक्टर एंड द अदर लेड्स हु केम हर वे. अब देखो, ये अब बयान करती है किसका कैरेक्टर? नेली साल्टर का कैरेक्टर, न कि नेली साल्टर खुद स्टोरी में आती है. दैट मीन्स नेली साल्टर खुद एक क्या है बेटा? खुद एक वो वॉच, वो खुद एक इनविजिबल कैरेक्टर है. कह रहे हैं कि शी वॉज आउट रून मैन. रून माने बर्बाद करना. वो मतलब जो मैन थे, मैन नहीं मैन, प्लूरल ऑफ मैन, वो इन मर्द हजरात को बर्बाद करना चाहती थी, इसलिए वो आई थी. माई सन हेक्टर एंड अदर लेड्स, मेरे बेटे को और बाकी जितने भी लेड थे, बाकी जवान थे, हु केम हर, जो उसके रास्ते में आए थे, उन सबको वो बर्बाद करना चाहती थी. शी शुडंट हैव माइंडेड इफ इट वॉज, सॉरी, आई शुडंट हैव माइंडेड इफ इट वॉज जस्ट हर वाइल्स. मैं मतलब बिल्कुल भी परवाह नहीं करती अगर वो उसकी एक ट्रिक होती है, अगर वो सिर्फ उनको क्या करना चाहती थी, धोखा देना चाहती थी. नहीं, बट इट वेंट डीपर देन. लेकिन उसका मकसद कुछ उससे भी बढ़कर था. शी प्लान डे एंड नाइट टू डू इवल. क्योंकि वो रात दिन प्लान करती थी क्या? गलत करने का. शी रिजॉयस्ड इन इवल. और गलत काम करने में वो बहुत ही रिजॉयस करती थी. रिजॉयस माने खुश हो जाती थी. शी वॉज रेडी टू सी मैन लूज देयर रीजन एंड देयर वाइव्स फॉर हर सेक. और क्या बता रही है नैली साल्टर के बारे में? जीन लोमन कह रही कि वो क्या थी? वो हमेशा तैयार होती थी कि वो लोगों को क्या करे. वो उनकी रीजन, उनके अकल को मतलब देखना चाहती कि वो अपनी अकल को खो दे और अपनी जान को भी खो दे उसके खातिर. फॉर हर सेक माने उनके उसके खातिर. इवन एट द रिस्क ऑफ, अगर कि वो कभी कभार अपनी लाइफ भी खतरे में डालती. क्वाइटली फिर क्या बताया? बड़ी खामोशी में क्या बताया? इट्स गुड शी इज डेड. अब अच्छा हुआ कि वो मर गई. शी वॉन्टेड टू सी मैन किलिंग. वो चाहती है कि मतलब ये लोग आपस में लड़े और मर जाए. किलिंग वन अनदर, और एक दूसरे को मारे. किलिंग इवन हरसेल्फ, अगर चुके उसको भी मारे. जज, एज शी वॉज किल्ड. और जज बता, हाँ वो आखिरकार मारी गई. जीन, शी वॉज, हाँ बिल्कुल उसको कत्ल किया गया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा प्ले है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक और पार्ट इसका डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि उसमें हम कितना इसका कवर करेंगे. और इंशाल्लाह दो तीन वीडियोस में हम इसको पूरा कवर करेंगे. और आखिर में क्या करेंगे? आखिर में इसकी पूरी स्टोरी हम क्या करेंगे? ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. बट आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस. आई डोंट थिंक कि आपको कोई इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी. इफ यू हैव गॉट एनी वेयर एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू देयर. एंड टिल देयर, माई लविंग स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़.